फूडीज ध्यान दी। यहाँ पर कुछ एपिक फूड प्रांस देखे। ठीक है, ये समय है लंच का। ये कौन है? गैबी, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर ये अंडे क्या कर रहे थे? क्या वो बेला के थे? मैं बस थोड़े और बाहर रखाऊंगा। अहा, क्या वो आखिरी थे? बेला मुझे मार देगी। क्या उसे ये चाहिए होगा? हाँ, हो सकता है। हे, पीचेस, ये अंडों से बहुत बेहतर है। मुझे जल्दी करना चाहिए। इस प्रैंक के लिए आपको सादी दही चाहिए। इसे अच्छे से फैला दे, आधा पीच ली और इसे बीच में डाल दे। थोड़ा देखा हुआ लग रहा है। हे बेला, तड़ा, तुम इसके मजे लो, पर मुझे जाना होगा। भागो कैव। अंडे में क्या खराबी है? ये इतना भी बुरा नहीं। किसी ने बाहर खाली कटोरे छोड़ दिए। उप्स, ये आखिरी है। किसी को तो ये खत्म करना होगा, है ना? क्या मैंने कुछ मिस किया? किसी चीज की अच्छी खुशबू आ रही है। मैं अभी आती हूँ। यही तो मैं ढूंढ रही थी। क्या इसमें और है? खाली डब्बा कौन छोड़ता है? ये केविन के ही काम है। मैं उसका कुछ करती हूँ, लेकिन मुझे कुछ अलग करना होगा। अब ये केविन को बताएगा। सीरियल बॉक्स को उल्टा करें और उसके फ्लाप्स को इस तरह मोड़ी। अब कटिंग बोर्ड को ऊपर बैलेंस करें ताकि आप इसे दोबारा सीधा कर सकें। जो भी इसे खोलेगा उसके लिए गड़बड़ वाला सरप्राइज तैयार है। वैसे मेरा काम यहाँ खत्म होता है। अभी भी उस टेरल के साथ लगे हो क्या? हाँ, अब समय है रिफिल का। ठीक है, भला मुझे एक चम्मच देगी? मुझे नहीं लगता। अपने लेकर आओ, ये बहुत ही अलग होने वाला है। इतना डब्बा, वो ये सीरियल का झरना है। इसमें क्या बुरा है? जिसने भी ये बनाया है वो अब गया। बेला, काश मैं वो देख पाती। दोस्त के साथ खाना बनाना मजेदार है। ओह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बेला की तीखी मिर्ची से बिल्कुल अलग। हमें अपना खुद का रेस्टोरेंट चलाना चाहिए। हम उसे केव और बेला के नाम से बुलाएंगे। इससे मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हम जरूर ये बेचेंगे। मैंने ये टेक्स्ट कैसे मिस कर दिए? क्या तुम ये सब खाने वाली हो बेला? बेकार है। क्या मुझे इसमें मिर्ची डालनी चाहिए? उसे पता भी नहीं चलेगा। देखो, सबसे मजेदार हिस्सा मत भूलना। बहुत बढ़िया, वो ये खाने वाली है। एक और लेना बुरा नहीं है, है ना? और एकदम से मेरा मुंह जल रहा है। जल्दी, मुझे पानी चाहिए। देखो मैं क्या लाया दोस्तों, और मैंने इसे खुद बनाया है। ओह, मैं ये नहीं लूंगी। मैं पागल नहीं हूँ। तुम्हारी बारी कैव। केविन, सारा मैसेज कर रही है। ठीक है, ये खुश हो? सच में केविन? क्या दोबारा मेरी बारी? अब चलो बेला। क्या? ठीक है, मैं अभी भी जीत सकती हूँ। इससे पहले मुझे कुछ काम है।
वो मुझे इग्नोर करके भी कैसे जीत सकता है। कम से कम मेरे पास आगे देखने के लिए चॉकलेट मफिन है। मीठा कभी धोखा नहीं देता। एक सेकंड रुको, शायद मैं अब जीतूंगी। टूथपेस्ट बिल्कुल फ्रॉस्टिंग की तरह लगती है ना? पर इसका टेस्ट उसके जैसा नहीं है। स्प्रिंकल्स ना भूलें। केविन इनसे अपने आप को कैसे रोकेगा? माफ करना, मैं घबरा गई थी केविन। इसे लेकर देखो, ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे इससे डेंटिस्ट की आंख क्यों आ रही है? लगता है मैं बीमार होने वाला हूँ। इसके बाद अपने दांत साफ करना मत भूलना। आखिरकार मैं अपने स्नैक खा सकता हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने लंच भी नहीं खाया। नहीं, बेला ये ले लेगी। ये कुछ नया नहीं है। वो सैंडविच वाली बात याद है? उसने एक बाइट मांगी थी और सारा ले लिया था। वो बिल्कुल जानवर की तरह है। उसे बिल्कुल पछतावा नहीं है। तुमने एक बाइट कहा था, और जब हम बाहर खाने गए थे, भूल जाओ। उसने थोड़ा सा मांगा था, और इससे पहले कि पता चले वो आधे से ज्यादा खा गई, और मुझे मौका भी नहीं मिला। बहुत अच्छा है ना? लगता है मुझे पता है इस भूख को कैसे ठीक करें। वो कभी भी मिल्क स्लाइस को मना नहीं करेगी। शायद ये इसके बाद बदल जाए, क्योंकि मिल्क की फिलिंग की जगह पर उसे कुछ अलग मिलने वाला है। मेयोनीज सैंडविचेस में बहुत अच्छी लगती है ना? शायद इस तरह से नहीं। सोचो ये जब मुंह में जाएगा। चलो फूड प्रैंक शुरू करें। ये वाला बहुत प्यारा है। ये तुम कहाँ से लाए? केविन, क्या मैं पहली बाइट ले सकती हूँ? शुक्रिया। हाँ, ये फीलिंग अजीब है। मुझे ऐसा थूकना होगा। केविन के पास बहुत सारे ओरियोज हैं। हे, तुम्हारे पास बहुत से बचे पीसेस हैं। लेकिन क्रीम सबसे अच्छी होती है। एक मिनट रुको। केविन, ये देखो, वो क्रीम बढ़ रही है। ये सब तुम्हारा है। हाँ, ये मार्शमेलो है। क्या ये फूड प्रांस स्वादिष्ट और मजेदार लगे? तो इन्हें अपने फूडी दोस्तों के साथ शेयर करें, और याद रहे 1 2 3 गो को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए।